हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पवन। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा उसे दबा लें और उसके बगल में बेल का आइकन आ रहा होगा उसे भी दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज मैं सैमसंग मोबाइल के कुछ टिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्रिक बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। नो गेम नो फेम वनली टू एम। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और दोस्त, उसमें से सबसे पहला जो टिप्स है वो है वन हैंड मोड। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप आसानी से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं उसे कैसे करना। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद देखिएगा कुछ नीचे करके तो वहाँ पे एडवांस फीचर लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो दूसरा नंबर पे लिखा होगा वन हैंड मोड, यहाँ पे देखिएगा डिसेबल किया हुआ है। बस इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऑन कर देना। ऑन करने से हमें ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप अपने मोबाइल को यहाँ से अपने मोबाइल से ये फ़ायदा होगा कि आप यह इस यहाँ से इस कोने से इस तरह स्वाइप कीजिएगा। देखिए वन हैंड मोड हो गया। आप यहाँ से कोई भी सेटिंग एक हाथ से चला सकते हैं। यदि आप राइट का हैंड का, यदि आप लेफ्ट हैंड का हैं तो यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे। यदि आप राइट हैंड का हैं तो फिर यहाँ पे करेंगे। और अगर आप पहले मेनू में जाना चाहते हैं यानी पूरा डिस्प्ले, तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में यहाँ क्लिक करना। आप देखेंगे कि मोबाइल ज्यों का त्यों है। दूसरा मोबाइल का सेटिंग ये है पैटर्न विजिबल। पैटर्न विजिबल से ये होता है आपका दोस्त, पैटर्न विजिबल से आपके मोबाइल में, जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए हम जैसे ही लॉक खोलने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आपके मोबाइल पे कुछ लाइनिंग सी दिख रहे हैं। इस लाइनिंग को हमें नहीं लाना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसके लिए हमें अपने सेटिंग में चलना होगा। तो चलिए वहाँ पे जा, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के सेटिंग को खोलेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों देखेंगे, स्वाइप करेंगे धीरे धीरे तो यहाँ पे आएगा लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी इस पर क्लिक करना। उसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा सिक्योर लॉक सेटिंग, इसको आप यहाँ से क्लिक करें। और फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ होगा मेक पैटर्न विजिबल। मेक पैटर्न विजिबल से क्या होगा दोस्तों, ये अभी ऑन है, इसको आप ऑफ कर देंगे। इसको यदि आप ऑफ कर देंगे तो जो आप लाइन देख रहे थे वो लाइन नहीं आएंगे, मैं वो बता दूंगा। उसके बाद दूसरा सेटिंग है लॉक ऑटोमेटिकली। लॉक ऑटोमेटिकली से क्या होगा दोस्त कि आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक लॉक कितना देर में लगाना चाहते हैं, 5 सेकंड, 15, मैंने 30 सेकंड कर चुका है। उसके बाद इसमें बहुत कुछ और हैं जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। देखिए मैं लॉक को विजिबल किया था, अब देखिए मैं कहीं भी हाथ ले जा रहा हूँ लॉक नहीं खुल रहा है,
लेकिन मैं सही से हाथ ले जाऊंगा तो खुल जाएगा लॉक। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका कोई लॉक आसानी से खोल नहीं सकता है। ये थी दूसरा ट्रिक। और जो तीसरा ट्रिक है वो है दोस्त कि आप कोई भी नंबर को लगाते हैं तो जैसे ही नंबर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कॉल लगाने के लिए सिम वन या सिम टू यहाँ पे ऐसे। लेकिन दोस्तों हमें इसको और बढ़िया और बेहतर तरीक़े से बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल की सेटिंग को खोल लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों फिर जाएंगे वही एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्वैप करेंगे तो कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, स्वैप टू कॉल एंड मैसेज। इसको ऑन करने से ये होगा दोस्त, चलिए मैं करके बताता हूँ। इसको ऑन करने से ये होगा कि जैसे ही आप किसी पे कॉल करना चाहते हैं या डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो इसको बस इस तरह से करना, आपका कॉल लग गया। आप इस तरह से कीजिए कॉल। मैं भी एक कॉल लगा बताता हूँ, देखिए स्वाइप किए कॉल लग गया। अब इसको मैसेज करना है, तो मैसेज करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, कॉल तो हम इस तरह ले जाते हैं, लेकिन मैसेज करने के लिए हमें उल्टा करना होगा। उल्टा करना ये है कि आपको इधर से इधर करना है, इधर से इधर किए मैसेज बॉक्स खुल के आपका नंबर आ गया। आप जो भी एनीबडी कुछ लिख के डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो ये थी तीसरी ट्रिक। और चौथी ट्रिक है ऐप शॉर्टकट। ऐप शॉर्टकट से हमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए मैं बताता हूँ। ऐप शॉर्टकट से देखिए यहाँ पे कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे कैमरा। यदि हम किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं और वहाँ पे अपना पैटर्न या लॉक भूल चुके हैं तो आप इस पर क्लिक। आप किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई कुछ हो रहा है या किसी को दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो गया और वहाँ पे आपका लॉक आप भूल गए हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। यहाँ बगल में एक कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, कैमरा को हम जैसे ही ओपन करेंगे ये कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे जाके लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी को ओपन करना। लॉक स्क्रीन सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा ऐप शॉर्टकट्स। ऐप शॉर्टकट्स को ओपन करने के बाद देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला कैमरा और दूसरा कॉलिंग का। तो हमें इसको करना है कैसे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए पूछेगा लेफ्ट शॉर्टकट एंड राइट शॉर्टकट। तो लेफ्ट शॉर्टकट यहाँ पे इसको करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्त लेफ्ट शॉर्टकट्स के ऑन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सारा चीज़ सारा एप्लीकेशन आपका ऑन हो गया। आप कोई भी लगा सकते हैं, मैंने तो कैमरा लगा चुका है, आपको जो मन में होगा वो लगा लीजिए। उसके बाद है राइट शॉर्टकट्स, राइट शॉर्टकट्स भी वही बात है दोस्त, आप कुछ भी लगा सकते हैं।